खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर में नहर किनारे रेत पर दिखा मगरमच्छ, मचा हड़कंप। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब नहर किनारे रेत पर मगरमच्छ दिखा। बताया जा रहा कि वन विभाग ने जारी अलर्ट किया है, सतर्कता टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में बुधवार दोपहर कूड़े भार थानाध्यक्ष के ढेसरुआ गुलाब खां का पूर्वा शारदा सहायक खंड सोलन नहर के कामन बैंक पर मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा कि स्थानीय लोगों से सूचना मिलते ही वन विभाग कर्मी पर मौके पर पहुंच गए। हालांकि इस बीच मगरमच्छ पानी में चला गया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को लेकर लगातार सतर्कता अलर्ट कर दी है। आपको बताते चले कि बुधवार करीब 12:30 बजे कूड़ेभार विकासखंड क्षेत्र के देसरुआ गुलाबखां का पूर्वा होकर गुजरे शारदा सहायक खंड सोलन नहर के कामन बैंक पर बीच वाली पटरी पर एक मगरमच्छ ग्रामीणों को दिखाई पड़ा। नहर में मगरमच्छ सूचना मिलते ही आसपास के गांव में अफरा तफरी मच गई। पूरा गांव उमड़ पड़ा मगरमच्छ को देखने के लिए। आपको बता दें कि देखते ही देखते नहर किनारे ग्रामीणों को भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को अधिकारियों को दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वन दरोगा ब्रजेश यादव, पीठ प्रभारी कूड़ेभार सदस्यु माली रामवेल और विचार सिराज अहमद के साथ मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास भी किया गया, लेकिन आपको बता दें कि मगरमच्छ नहर के पानी में चला गया। वन दरोगा ब्रजेश यादव ने कुछ लोगों को नहर के किनारे रेत पर मगरमच्छ दिखाई पड़ा था जिसकी लंबाई करीब 4 फीट थी। थोड़ी देर बाद ही वह पानी में चला गया। सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को सतर्कता बरतने को कहा गया है। वन विभाग की टीम निगरानी के लिए लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर न्यूज। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।